आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, PHBV इसे कोपॉलीमर ऑफ, हमें क्या होता है ना, ये जो हमारा PHBV है ये किसका कोपॉलीमर होता है। कोपॉलीमर देखो क्या होता है, कोपॉलीमर हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बनते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर, ठीक है, टू डिफरेंट मोनोमर। अब वो आपके दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट मोनोमर होने चाहिए। अगर ऐसे टाइप के हमारे पॉलीमर होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, PHBV। तो देखो PHBV जो है हमारा वो किसका मतलब पॉलीमर है, ये हमारा पहला जो इसका मोनोमर होता है वो होता है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और सेकंड होता है थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि ये हमारा थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिलकर बनता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें देखो, तो हम हर क्वेश्चन में जो भी हमारा पॉलीमर बनता है उसका हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो हम लोग मोनोमर बना लेते हैं थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा सी। देखो दो बॉन्ड तो होगा, एक कार्बन के साथ आ जाएगा, तो कितने कार्बन हाइड्रोजन आएंगे, एक CH2COOH, तो देखो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड ये हो गया, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के साथ। तो थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा, ऑलराइट। अब जब इसका अब पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा हमारा, PHBV या पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटिलेट, अगर इन जनरल टर्म बात करें तो। देखो आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, इसको ध्यान से लिखना, ठीक है, ओ CH CH2 C डबल बॉन्ड OCH, ये R, अभी भी हम लोग R डिस्कस करते हैं कि ये R क्या है, ठीक है, ये R CH हो गया, ये CH2 इसका, और यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O और वाटर का एक OH उसमें चला गया हमारा। देखो अब ये जो हमने यहाँ पे R लिखा है ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा था, ये R क्या है हमारा, CH3 या फिर C2H5, ठीक है, CH3 C2H5, दोनों केस के लिए। अब देखो ये अभी अगर इसके मैकेनिज्म मैं समझाना चाहूँ तो ये देखो कैसे लिखेंगे, देखो ये आपका ये रिवर्स करके कनेक्ट हुआ है, ठीक है, इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये OH का O यहाँ पे रह गया, ये R क्या हो गया, CH3 हो गया ये हमारा, और देखो CH2 ये क्या, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये OH क्या हुआ, इसने वाटर के साथ कंबाइन किया, ठीक है। अब ये जो इस साइड है ये पूरी रिवर्स करके लिखी गई, ठीक है, तो ये सी डबल बॉन्ड O और एक O बचेगा हमारा, मतलब ये OH वाला तो पूरा चला जाएगा, ये OH किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, वाटर के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और हमारा वाटर, वन मिनट, ये जो हमारा वाटर है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वाटर एलिमिनेट होगा, और ये सी डबल बॉन्ड O और OCH। अब ये देखो ये जो है ना ये C2H5, ये पूरा जो हमने लिखा है C2H5, ये वाला R है, ऑलराइट, ये वाला R है ये यहाँ पे, ऑलराइट, और ये बाकी तो रिएक्शन सिंपली हमने सी डबल बॉन्ड O और OH एक वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।